प्यारे बच्चों नमस्कार। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले करवा दिया था पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं की वर्गों का अंतर पैंतालीस है, छोटी संख्या का वर्ग 4 गुना है। संख्याएं ज्ञात करिए। यानी सीधी सी बात है कि दो संख्याएं ज्ञात करनी हैं तो स्पष्ट बात है द्विघात समीकरण बनेगी। बनेगी कैसी, उसके लिए देखिए क्या करना है हमें। हम मानकर चलेंगे, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब वर्गों का अंतर बताया है, वर्ग होती है स्क्वेयर, किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वेयर लगाएं तो वो उसका वर्ग कहलाता है, पावर 2 लगा दे दो। अंतर कभी भी दिया हो संख्याओं के बीच में तो घटाव करना पड़ता है, घटाने पर अंतर आता है। जैसे बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी एक्स है तो एक्स की स्क्वेयर हो जाएगी, छोटी संख्या वाई है इसका वर्ग करेंगे तो वाई की स्क्वेयर हो जाएगी। अंतर करना है तो घटाव का निशान लग जाएगा बीच में, और अंतर बताया कितना है 45, तो इसके बराबर में आ जाएगा 45। यानी ये प्रश्नानुसार हमारी एक समीकरण बन जाएगी, जैसा इसने प्रश्न में बोला है उसके अनुसार हमारी एक समीकरण बन जाएगी कि बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की स्क्वेयर हो गई एक्स की, छोटी संख्या का वर्ग करें तो वाई की स्क्वेयर हो गई। अंतर बताया है इसलिए घटाव का निशान लग गया, अंतर घटाने पर ही आता है कोई भी क्वेश्चन हो जाए अंतर, और फिर आगे बराबर अंतर दिया है इसने 45, तो ये 45 आना चाहिए दोनों का अंतर। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएं तो बराबर 45 आता है, समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखेंगे कि छोटी संख्या का तो वर्ग करना है और वो वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर है, 4 गुणे के बराबर है या 4 गुणा है, बड़ी संख्या का 4 गुणा है, 4 गुणा होने का मतलब है 4 गुणा के बराबर है। यानी छोटी संख्या y है तो y का तो वर्ग करें, ये y का वर्ग बराबर किसके है, बड़ी संख्या के 4 गुणे के। यानी बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या को 4 से गुणा करें तो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है। ये बात यहां पर लिखी है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुणा है, यानी बड़ी संख्या का 4 गुणा कर दें तो छोटी संख्या की स्क्वेयर के बराबर होगा। यह बात ऐसे लिखी जाएगी, छोटी संख्या की स्क्वेयर बराबर बड़ी संख्या का 4 गुणा। तो यह हमारी सेकंड समीकरण हो गई, वाई स्क्वेयर बराबर 4x, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तब हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। हमें समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x की स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर के स्थान पर देखिए y स्क्वेयर का मान जो आपके समीकरण 2 में है वो लिख देंगे 4x और बराबर आ जाएगा 45। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई हमें, एक्स की स्क्वेयर माइनस 4x बराबर 45। पिछले सवाल में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था पूर्ण वर्ग विधि से, एक्स की स्क्वेयर माइनस 4x, ये 45 इधर प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तीनों ही पद जो हैं वो हमने एक ही साइड में कर दिए।
अब इसके ऊपर हम पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं, द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं और गुणनखंड भी इसके हम कर सकते हैं। तो पिछला जो सवाल हमने बनाया था 290 वाला, उसके अंदर मैंने यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि लगा करके क्वेश्चन करवाया था। इस क्वेश्चन को मैं गुणनखंड विधि से करवा रहा हूँ ताकि आपके मन में इस प्रकार की कोई संशय नहीं रहे कि इसके ऊपर दूसरी विधि लगती है या नहीं लगती। कोई सी भी विधि किसी भी क्वेश्चन पर लगा सकते हैं हम तीनों विधियों में से, इस बात की दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी है कि इसके पे गुणनखंड लगेगी या इस पे पूर्ण वर्ग लगेगी। उसी सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं, उसी सवाल को हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और उसी सवाल पर हम द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं। जो अच्छा लगे, जो अच्छी प्रकार से आए उसी को लगाना है, जिसमें त्रुटि होने का चांस कम से कम हो। जैसे कि यहाँ पर यदि हम गुणनखंड करें तो अब इस -4 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं अपने को कि जोड़ने या घटाने पर तो -4 आए, गुणा करने पर -45 आए। तो गुणा में माइनस तभी आएगा जब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी, तभी प्लस और माइनस का गुणा माइनस बनेगा। इसलिए माइनस का 4 अपने को लेके आना है तो माइनस के 9 और प्लस के 5 करें तो देखिए बचेगा माइनस का 4, घटाने पर गुणा करने पर देखिए -45। ऐसे दो टुकड़े करने थे कि जिनका जोड़ तो आना चाहिए, जोड़ या घटाओ तो आना चाहिए -4, गुणा आना चाहिए -45। तो इनका देखिए गुणा तो आ रहा है माइनस का 45 और जोड़ आ रहा है माइनस का 4। ये दोनों टुकड़े यहाँ पर लेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक्स की स्क्वेयर माइनस के 9x प्लस के 5x माइनस के 45 बराबर 0। यदि फिर भी किसी बच्चे को पता नहीं चले टुकड़े करने का, तो पीछे मैंने जब गुणनखंड का टॉपिक लिया था उसमें टुकड़े करने के लिए विधि बताई थी कि टुकड़ों का पता हम कैसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा बिना विस्तार किए हुए थोड़ा फिर बता देता हूँ कि ऊपर गुणा लिख लीजिए और नीचे जोड़ लिख लीजिए। शुरुआत कर दीजिए माइनस और प्लस, ये निशान तो अपने को लाने ही हैं क्योंकि तभी ये माइनस का आएगा गुणा। अब हम शुरुआत करते हैं कि -4 से ही शुरुआत कर दें। माइनस के 4 और 0 जोड़ -4 आएगा, गुणा 0 आएगा। फिर आगे माइनस के 5 और प्लस का 1 जोड़ -4 आएगा और गुणा माइनस का 5 आएगा। फिर आगे माइनस के 6 प्लस के 2 जोड़ -4 आएगा, गुणा प्लस माइनस माइनस का 6 दूनी 12 आएगा। फिर आगे माइनस के 7 और प्लस के 3 जोड़ -4 आएगा। जोड़ हर बार हमें यही लाना है जब हम शुरुआत करते हैं तो, हाँ गुणा हमारा अलग अलग आता रहेगा, जब -45 आ जाएगा वही टुकड़ा हम ले लेंगे। -8 प्लस 4 जोड़ -4 आएगा, गुणा -32 आएगा और ये 7 21 आएगा माइनस का। और आगे -9 प्लस 5 जोड़ -4 आएगा, गुणा -45 आएगा। तो ये टुकड़े हमें यहाँ पर मिल जाएंगे और इनको हम यहाँ ले सकते हैं। तो देखिए टुकड़े करने के बाद देखिए जब तीन पद थे, तीन से चार पदों में विभाजित हो गए क्योंकि बीच वाले के दो टुकड़े हो गए। अब इनमें से दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन लिया जाएगा। जैसे इन दोनों में एक्स का भाग जा रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें भाग देंगे तो एक्स माइनस या एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और नो आ जाएगा। यहां पर प्लस का निशान है तो प्लस कॉमन ले लेंगे, माइनस का है तो माइनस यहां पर। और इसके बाद दोनों में देखिए पांच का भाग जा रहा है, पांच कॉमन ले लेंगे, इसमें भाग देंगे तो एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, पांच का भाग 45 में देंगे 9 आएगा, बराबर 0 आएगी। अब इन दोनों में से इसमें से तो एक्स माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, यहां पर तो बचेगा फिर एक्स, क्योंकि इसको छोड़ दिया जाए तो यही बचता है, जब इसको बाहर निकाल दिया है कॉमन लेकर के तो यहां पर प्लस का 5 बचता है, बराबर आ जाएगी 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर लें हम तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर आएगा 9 और x प्लस 5 बराबर 0 करें तो x बराबर आएगा माइनस का 5। ये जो ऋणात्मक संख्या है इसको अमान्य कर देंगे और जो x का मान हमारे पास धनात्मक 9 आया है x का, उसको हम मान्य करेंगे, वो मान हम लेंगे। अब x का मान तो हमें प्राप्त हो गया कि 9 है, निकालना है हमें y का मान।
वाई के मान के लिए आप समीकरण दो या समीकरण एक में मान रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। इसमें रखने पर थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि इसमें दो ही पद हैं। देखिए तो एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर वाई स्क्वेयर बराबर चार इंटू चार एक्स का मतलब है चार गुणा एक्स, चार गुणा में एक्स की जगह एक्स का मान नौ, वाई की स्क्वेयर बराबर नौ चौके छत्तीस, वाई बराबर छत्तीस का वर्गमूल निकालेंगे तो वाई बराबर छः आ जाएगा। अब देखिए वाई का मान भी आ गया, एक्स का मान भी आ गया। अगर हमें सत्यता की जांच करनी है तो हम इस समीकरण में मान रख के जांच कर सकते हैं। जैसे एक्स का मान नौ है तो नौ की स्क्वेयर, वाई का मान छः है तो छः की स्क्वेयर, ये नौ निमाई इक्यासी माइनस छत्तीस। देखिएगा अंतर 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि अंतर 45 आ रहा है तब तो हमारा मान सही है, हमारे उत्तर सही हैं। यदि आपका अंतर कम या ज़्यादा हो गया इसका मतलब उत्तर प्राप्त किए थे वो क्या हैं, गलत हैं। तो इस प्रकार से हम सत्यता की जांच भी कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, 3.4 पूरी हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद। लास्ट क्वेश्चन है 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 5, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। जैसे मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको कि क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या गया है। पूछा यह गया है कि 16 के दो टुकड़े करने हैं और वो टुकड़े ऐसे करने हैं कि बड़े वाला टुकड़ा है उसका वर्ग कर दें, स्क्वेयर कर दें और उसको दो से गुणा कर दें। फिर तो जो संख्या आएगी फिर ऐसा करने पर उस संख्या का और जो छोटा भाग होगा उस संख्या की स्क्वेयर का अंतर 164 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि जैसे 10 बड़ा भाग हो जाए और छोटा भाग 6 हो जाए। अगर मान लो सपोज करें हम कि ये दो टुकड़े आ जाए 16 के, तो ये कह रहा है कि इस भाग के वर्ग का दुगुना यानी 10 की स्क्वायर और इसका दुगुना यानी 2 गुणा 10 की स्क्वायर 100 यानी कि 200 ये बनता है बड़े भाग के वर्ग का दुगुना। और छोटे भाग का वर्ग, छोटा भाग 6 है तो 6 की स्क्वायर यानी कि ये 36। दोनों का जो अंतर है वो 164 आना चाहिए, ये प्रश्न है हमारा। अगर 164 आएगा तो हमारे द्वारा माने गए मान सही हैं, अगर नहीं आएगा तो माने गए मान गलत हैं। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि सही आ रहे हैं, इसका मतलब उत्तर का पता है हमें कि बड़ा भाग 10 आएगा छोटा 6 आएगा। लेकिन ये बातें तो हल करने के बाद पता चलती हैं, पहले अगर हम अनुमान लगाने चलेंगे तो बहुत सारी संख्याएँ होती हैं, हमें नहीं पता चलता कि कौन सी ऐसी दो संख्याएँ आएंगी कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना करें उसमें से छोटे भाग का वर्ग घटाएं तो 164 आ जाए। बहुत जगह पे दिमाग भटकता है और नहीं पता लगा पाते हम सही से कि क्या क्या संख्याएं आएंगी। तो निकालने का तरीका देखिए, जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लेते हैं, माना बड़ा भाग
एक्स है, टुकड़े तो 16 के ही करने हैं हमें दोनों, उसमें से एक टुकड़ा तो हमने 16 मान लिया, अब छोटा भाग हमें निकालना है तो छोटे भाग को हम मान लेंगे 16 माइनस एक्स, क्योंकि अगर बड़ा भाग हमारा 10 है तो छोटा भाग 16 में से 10 घटाते ही 6 आ जाता है ना। उसी प्रकार बड़ा भाग हमारा एक्स है तो 16 में से 10 के स्थान पर यदि हमने एक्स माना है तो एक्स घट जाएगा, जैसे यहां 16 माइनस एक्स हो गया तो छोटा है ना, उसी प्रकार यहां बड़ा एक्स है तो 16 माइनस एक्स कर दिया तो ये छोटा आ गया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, बड़ा भाग है हमारे पास एक्स, इसने दिया है बड़े भाग के वर्ग का दुगुना करना है तो बड़े भाग का वर्ग करें एक्स की स्क्वेयर, इसका दुगुना करें 2 से गुणा, यानी ये आ जाएगा 2x की स्क्वेयर। फिर इसने कहा है छोटे भाग के वर्ग से, यानी छोटा भाग 16 माइनस एक्स है, इसका वर्ग करें तो इसकी होल स्क्वेयर हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 164 दिया है, अंतर आपको बताया था मैंने कि घटाने पर अंतर आएगा, अधिक है इसका मतलब अंतर ही तो है, तो प्रश्नानुसार लिखें, प्रश्नानुसार 2x की स्क्वेयर बराबर 16 माइनस एक्स की होल स्क्वेयर प्लस में 164, यानी ये जो पार्ट है ये कम है इस पार्ट से 164, तो अगर मैं इसमें 164 जोड़ दूंगा तो फिर ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 164 कम बताया है इसने, इसके पास अधिक बताया है, या तो इसमें से 164 घटाएंगे तो दोनों पार्ट बराबर आएंगे, या हम 164 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों पार्ट बराबर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी आदमी के पास, एक के पास 100 रुपए हैं, एक के पास 80 रुपए हैं, तो दोनों में 20 का अंतर है, अगर आपको दोनों को बराबर करना है तो या तो आप 80 वाले को 20 दे देंगे तो दोनों के पास 100-100 हो जाएंगे, या आप 100 वाले 100 जिसके पास है उससे 20 ले लेंगे तो दोनों के पास 80-80 बचेंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की सिचुएशन है कि छोटे भाग का वर्ग जो है वो 164 है, इस बड़े भाग के वर्ग से कम है, यानी ये जो बड़े भाग के वर्ग का दुगुना है ये 164 अधिक है, किससे, छोटे भाग के वर्ग से। तो या तो आप छोटे भाग के वर्ग में 164 जोड़ दें, या आप बड़े भाग के वर्ग के दुगुने में से 164 घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने इसको दिया है 164, यानी इसमें जोड़ दिया है और इस प्रकार करके बराबर किया, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या इस प्रकार से भी हम लिख सकते थे 2x की स्क्वेयर माइनस 164 बराबर 16 माइनस एक्स की होल स्क्वेयर, और ऐसा नहीं करते तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2x की स्क्वेयर माइनस में 16 माइनस एक्स की होल स्क्वेयर बराबर 164, ऐसे भी लिख सकते थे कि दोनों का जो अंतर है वो 164 है। तो तीन कंडीशन है लिखने की, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए हल कैसे होगा, ये 2x की स्क्वेयर, इसके ऊपर अब होल स्क्वेयर खोलने का सूत्र लगेगा, a माइनस बी की होल स्क्वेयर का, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे इसको हल करना पड़ेगा 16 माइनस एक्स की होल स्क्वेयर। तो a का मान 16 है, b का मान x है, तो यहां पे आएगी 16 की स्क्वेयर माइनस 2 गुणा 16 गुणा x प्लस x की स्क्वेयर, क्योंकि a के स्थान पर तो आना है 16 और b के स्थान पर 2 आना है, जो 16 गुणा b के स्थान पर x आना है, तो देखिए x 16, ये 2 का 2, a की स्क्वेयर है उसके स्थान पर 16 की स्क्वेयर, b की स्क्वेयर है वहाँ x की स्क्वेयर, 16 की स्क्वेयर का मतलब है 16 गुणा 16, यानी ये आएगा 256 माइनस ये आएगा 16 दूनी 32 x प्लस x की स्क्वेयर। तो इसको हल किया तो ये आ गया 256 माइनस 32 के x प्लस x की होल स्क्वेयर प्लस 164, ये आ गया 2x की स्क्वेयर, 256 और 164 को जोड़ दें 420, 6 4 10 6 5 11 1 12 2 1 3 1 4 माइनस के 32 x प्लस x की होल स्क्वेयर। अब ये सारे पद जो हैं वो इस साइड में ले आएं, पक्षांतरण करें तो सबके निशान बदल जाएंगे, ये x स्क्वेयर प्लस का है या माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 32 x है प्लस का 32 एक्स हो जाएगा, ये 420 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगी 0। अब 2x की स्क्वेयर प्लस का है, 1x की स्क्वेयर माइनस का है, तो हमारे पास बच जाएगी 1x की स्क्वेयर, वो भी प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस के आगे 32
एक्स माइनस के आगे 420 बराबर आगे 0। अब हमें गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड कर सकते हो, द्विघाती सूत्र लगा सकते हो। तो 32 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो 32 आए, गुणा करने पर 420 आए। तो देखिएगा, माइनस के 42 और प्लस के 10 जोड़ने पर, प्लस के 42 माइनस के 10 जोड़ने पर तो देखिए प्लस के 32 बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और गुणा करने पर 42 + 420 होते हैं। तो गुणा करने पर 420 चाहिए, जोड़ने पर 32 चाहिए, तो उपयुक्त टुकड़े बनते हैं हमारे प्लस के 42 माइनस के 10। तो एक्स की स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 10x माइनस के 420 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बना करके कॉमन लेना है, तो देखिए इन दोनों में x का भाग जा रहा है, x कॉमन, x स्क्वायर में भाग देंगे x, प्लस x से x कैंसिल 42, या माइनस है तो माइनस कॉमन, दोनों में 10 का भाग जा रहा है, 10 कॉमन, इसमें भाग देंगे x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जब माइनस में माइनस का भाग लगेगा तो 10 का भाग 420 में देंगे तो 0 से 0 कट के 42 आ जाएगा बराबर 0। अब इसमें से देखिए x प्लस 42 दोनों में है, इसको बाहर निकाल देंगे, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस का 10 क्योंकि ये तो बाहर निकल गया है, बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों के बराबर 0 लेकर के करें तो x प्लस 42 बराबर 0, x बराबर माइनस का 42, ये माइनस की संख्या है इसलिए इसको अमान्य कर देंगे क्योंकि हमें टुकड़े तो करने हैं 16 के और वो संख्या प्लस की है। x माइनस 10 बराबर 0 लें तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी कि हमारा बड़ा जो भाग था वो 10 आ गया, और छोटा भाग निकालना है तो 16 में से 10 को हम घटा देंगे, 6 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 16 के ऐसे दो टुकड़े 10 और 6 हैं, जिसमें 10 की स्क्वायर को अगर हम 2 से गुणा कर दें और 6 की स्क्वायर उसमें से घटाएं तो अंतर 164 आएगा। उत्तर की जांच हम कर सकते हैं, 10 की स्क्वायर गुणा 2 माइनस 6 की स्क्वायर, ये छोटे भाग की स्क्वायर कर दी, ये बड़े भाग की स्क्वायर को 2 से गुणा कर दिया, ये 100 माइनस 64 36, 200 माइनस 36 और बच गया हमारे पास 164, यानी कि यही इसने कहा था कि दोनों में 164 का अंतर है, 164 का अंतर आ रहा है हमारे जो उत्तर हैं उनमें, तो इसका मतलब हमारे प्राप्त किए गए उत्तर क्या हैं, सही हैं। तो उत्तर की जांच भी आप साथ में कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट टॉपिक आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।